तो ये देखिए आपके भाईजान ने क्या लेकर आया, और इन्होंने लाया है कविट जो हमेशा लेते यार ये हेलो एवरीवन, सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो फिर चलें आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और व्लॉग शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगी, जो जो मेरे चैनल पे आज न्यू आए, पहली बार क्लिक किया है और मेरी वीडियो में आए हो तो वेलकम जी। चले आ ही गए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ ही घंटा बटन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चले फिर आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और आज का व्लॉग शुरू करेंगे हम हमारे गर्मा गर्म ठंडी में, एक तो पराठे खाने का तो मज़ा ही और होता है। और सुबह सुबह आज मैं बना रही हूँ पराठे, और ये मैं घर में नहीं बनाई, एक्चुअली ये रेडीमेड पराठा है जो मैं पैकेट ला के रखती हूँ घर में। और एक पैकेट में चार पराठे आते हैं, तो वो एक पैकेट हम दो दिन यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो बस अगर मैंने आज लाया तो मैं वो दो, मतलब चार पराठे मैं दो दिन में ख़त्म कर दूँगी, उससे ज़्यादा मैं नहीं रखती। तो बस पराठे आपके भाईजान ने लेकर आए थे कल, तो कल हम लोग ने दो खा लिए और दो पराठे अभी थे, तो बस मैं वो दो पराठे बना रही थी। और साथ ही में थोड़ी सी आवाज़ मेरी बैठी हुई दिख रही है ना आप लोगों को, तो बस ये ठंडी का असर है, ठंडी के असर है, ज़रा सी आवाज़ भी बैठ गई है और ऐसे होता है। ज़रा से बीमार हो जाओ, कुछ भी हो जाओ ना, तो मेरी सबसे पहले तो आवाज़ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो चले अभी गरम गरम नाश्ता करते हैं, और उसके बाद में ये देखिए आपके भाईजन ने नाश्ता किया और आपके भाईजन बाहर आए। और ये देखिए सुबह सुबह आ गए भैया जी ये लेकर, ये खट्टा, पता नहीं इसका नाम तो मुझे नहीं मालूम, बट ये सब खट्टी खट्टी चीज़ें हैं और ये आपके भाईजन ने लेकर आए। मैं उनको बहुत चिल्ला रही थी कि सुबह सुबह तुम्हारा यार चालू हो जाता है, कोई भी खट्टे व कोई भी, मतलब भैया जी आएंगे ना ये सब चीज़ें लेके, इनका ना लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बस इन्होंने ये ले लिया और बच्चों को अंदर दिए कि बोले रख दो मैं आके खाऊंगा। और वो ये देखे भैया जी ना हमेशा ही इनका ना, ये खास करके ना ठंडी के टाइम पे बहुत आते हैं ये लोग, और ये स्कूल के बाहर, ये चीज़ें देख के ना स्कूल की याद आती है, क्योंकि हम लोग के टाइम पे भी स्कूल के बाहर ये भैया जी लोग रहते थे जिनके पास इमली, खटाई, बोर, हर खट्टी खट्टी चीज़ें बहुत होती है। तो बस बस आवाज़ आई तो कि नहीं आपके भाईजान नाश्ता करके बाहर आए कि बोले रुको मैं आ रहा हूँ करके, तो इन्होंने ये मेरे को लेके दिए येलो वाला जो अंदर नुमैर लेके गया अभी, और कुछ लेते हुए खड़े। और नाश्ते की बात रही तो पराठा तो आपके भाईजान ने और मैंने खाए थे, और बच्चों ने जो खाए थे ना वो मैगी खाए थे, माई ने भी मैगी खाई थी और नुमैर ने भी मैगी खाया था। तो बस अब ये देखे चालू हुए भैया जी के साथ में कि क्या लेना और क्या नहीं लेना, तो बस इनका चालू है। तो मैंने उनको बाद में आके पूछी कि तुम इतनी बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, इतनी देर से तुम्हारा पटर पटर चालू था। तो ये देखिए आपके भाईजान ने क्या लेकर आए, और इन्होंने लाया है कविट जो हमेशा लेते यार ये भैया जी आएंगे ना, आपके भाईजान का ऐसा होता ही नहीं कि कविट नहीं लेंगे, तो कविट ले लिया इन्होंने फाइनली और वहाँ से निकाल के लेकर आए, नहीं तो हमेशा मैं निकालती हूँ। तो उन्होंने निकाल के लेकर बोले लो तुम्हारी ड्यूटी मैंने कम कर दिया, मैंने खुद निकलवा के लेकर आया हूँ, और ला के माई को दे दिए। और माई आड़े तेड़े मुंह बना रही थी और बोल के गए कि बोले इसको शक्कर वक्कर डाल के रख दो बोले, तो माई को बोले, तो माई आड़े तेड़े मुंह बना के शक्कर डाल के रख रही थी कि पप्पा के लिए मैं रख देती हूँ लगा के, क्योंकि ना उसको चाहिए था 5 रुपीज़ जो उसको नहीं मिला, क्योंकि तबीयत है ख़राब, ठंडी का टाइम है, बाहर की चीज़ें खाएँगे तबीयत ख़राब हो जाएंगी, तो उसको 5 रुपीज़ नहीं मिल रहा था। तो मुँह आड़े तेड़े करके अपने पप्पा के लिए कविट बना के रख रही थी कि बोले मैं शक्कर लगा के रख दूँगी, बोले पप्पा ने बोले लेकिन मेरे को 5 रुपया दिए नहीं है। तो मैं ली बेटा तबीयत ख़राब होती है, बाहर की चीज़ें खाते तबीयत ख़राब हो जाएगी ऐसी ठंडी का टाइम है। तो बस ये बनाई, देखो फिर भी बनाई आड़े तेड़े बना के, उसने एक टेस्ट करी तो खट्टा खट्टा था खट्टा खट्टा था, मुंह आड़ा तेड़ा करी बोलती खट्टा है, बोले मैं बोली मत खा, वैसे भी तबीयत ख़राब है खट्टे से और तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो बस उसको चाहिए था 5 रुपीज़, और बोलते ना बच्चे जो मांगते ना कभी कभी मिल जाता है, तो बस 5 रुपीज़ के लिए मेरे को बोल रही थी मम्मा कुछ तो खाना है मुझे बाहर का। तो बस बोलते 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 उसकी हो गई विश पूरी, और फाइनली कुछ तो उसको मिल गया 5 रुपीज़ वाला आइटम जो मुझे दिलाना पड़ा। तो देखे आप लोग भी क्या मैंने क्या दिलाया उसको। नुमेर भाई बोले कितना ले रही है, नुमेर भाई को भी ले ले, कितने की हो, कितनी हालो 5 की 3 है, बताओ 3 3 6 होते हैं ना, 5 की 3 है ये, नहीं 10 की 6 मेरे खाते।
तो देखिए आपने इसको क्या मिला। तो माही ने ली थी नान खटाई, जो घर के पास ही आते हैं और तो मतलब ऑन दी स्पॉट ही बना के दे देते हैं। छोटी छोटी नान खटाई, जो लोग के पास ना आटा कलावा होता है तो फटाफट ये लोग भट्टी में डालते हैं और फटाफट गरम गरम नान खटाई बन के निकलती है, जो बच्चे लोग को बहुत पसंद आती है। तो बस उसको मैंने नान खटाई दिला दिया। मैंने चलो ठीक है, नान खटाई देखी तो मेरे को बोलती ये तो खा सकती हूँ ना, मैंने अच्छा ठीक है ये दिला देती हूँ। फाइनली बाल बना रही थी उसके, क्योंकि उसका ट्यूशन का टाइम हो रहा था और अब वो जाएगी ट्यूशन। तो चले फिर व्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगी आज, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। ठंडी का टाइम है, तबीयत ख़राब हो रही है, कभी मेरी कभी माई की कभी नुमैर की, और नुमैर की तबीयत अभी भी ख़राब ही है और माई की भी थोड़ी सी नरम गरम चल रही है, मेरी भी चल रही है और आवाज़ भी आप लोग देख रहे हैं, मेरी भी आवाज़ बैठी हुई। आज का छोटा सा व्लॉग मैं एंड करूँगी और मिलूँगी आपको एक नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो व्लॉग रेसिपी के साथ। जब तक की दुआ में याद रखे, अल्लाह हाफिज़। I'm not the one who's running out of time.